यामाहा का ओरिजिनल नहीं है। हालत देखें इसकी। लेकिन इतना क्लियरली कोई नहीं बता रहा, सब ये बता रहे कि स्पार्क प्लग जो है वो क्या है, उसका कौन सा पार्ट क्या करता है, ये पार्ट उसका मॉडल, ये वो, ये चीज़ें मुझे जान के क्या करनी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिम अहमद खान, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं जा रहा हूँ अभी दराज स्टोर पे, दराज स्टोर से मैंने एक पार्सल उठाना है, वो पार्सल है इरिडियम प्लग का। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इरिडियम प्लग, क्योंकि मैं जब लेने गया था पिंडी पार्क ट्रेडिंग सेंटर पे, उनके पास नहीं था, उन्होंने मुझे कहीं आगे कहा था कि वहाँ से मिलेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं गया। फिर मैंने अपने ग्रुप में पूछा था, तो ग्रुप वालों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप ऑनलाइन मंगवा लें, ठीक है। एक फैज़ान मोटर्स था शायद, उनका रिकमेंड किया था, और एक और दराज पे किया था, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था, क्योंकि ट्रस्टेड था, यूज़ किया हुआ लोगों ने। तो 2000 रुपये का, या आई गेस 2200 रुपये का था। तो अभी जाके वो पिक करते हैं, और इनका डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि इससे परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है, तो ये चल के डिस्कस करते हैं। पहले जाके पार्सल उठाते हैं और फिर देखते हैं कि इरिडियम प्लग क्या करता है। ये जी, मैंने दराज से पार्सल उठा लिया है, और इना वाडा शॉप पर तो बीच में इतना सा प्लग है, तो ये मैं आपको अनपैक करके दिखाता हूँ अभी। ये लें, ये जी अंदर से एक और छोटा पैकेट निकल आया है, इसको भी खोलते हैं। तो जी ये पैकेट खोलते खोलते थोड़ा सा डब्बा ख़राब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये है जी NG के इरिडियम प्लग, जिसका बहुत इंतज़ार था हमें, और इधर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फोकस। अच्छा, ये लगा के घुमा देना हमने, ठीक है जी। इसको चेक करते हैं अंदर क्या है इसका। ये रहा जी आपका NGK का स्पार्क प्लग, और बड़ा नाइस पैकिंग के साथ आया है, बड़ा सेफ़ रखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इसकी बड़ी नाजुक है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहानी आपको आगे चल के समझाएँगे। इस पे CR7HI6, इसकी कहानी मुझे नहीं पता, आपको पता है तो ज़रूर शेयर करें। जापान जी, जापान से आया है। तो ये भी बाइक में लगा के चेक करते हैं, तो आए चलते हैं, ये लगवाते हैं और फिर डिफरेंस चेक करते हैं, कोई डिफरेंस है भी या हवाई है। ये जी स्पार्क प्लग लगा हुआ था पहले, ये यामाहा का ओरिजिनल नहीं है। हालत देखें इसकी, फोकस। आज की वीडियो में फुल फोकस ही चल रहा है, देखें। ओके जी, हमने स्पार्क प्लग चेंज कर दिया है, अब मैं रोड पे आ चुका हूँ। डिफरेंस मैंने देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस आया है। वैसे तो मेरा बाइक पहले भी नॉर्मली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई मसला मुझे महसूस नहीं हुआ, और प्लग भी इतना ख़राब नहीं था, ठीक था, कंडीशन उसकी बुरी नहीं थी। तो अभी जो है ना, मैं इस पर चेक करता हूँ क्या मुझे डिफरेंस फील होता है बाइक में। अब ये ना हो कि मैं सोच रहा हूँ कि यार डिफरेंस फील होगा, तो वही मुझे फील होने लग जाए कि यार वही डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं होता, बहुत माइनर सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। तो चेक करते हैं, एक यहाँ पे सेवंथ पे राइड लेते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन है। Okay.
अच्छा जी, मैं जो है स्पार्क प्लग लगा चुका हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, और मैं उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर चुका हूँ। तो मैं उसके आपको डिफरेंस बता दूँगी, मुझे डिफरेंस क्या फील हुआ। असल में जब मैं स्पार्क प्लग लगाने लगा था तो मैं चाह रहा था कि मुझे पता चले कि यार इसमें क्या फ़र्क आता है, क्या डिफरेंसेज आते हैं। मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ पढ़ी हैं, कुछ में बता रहे हैं, लेकिन इतना क्लियरली कोई नहीं बता रहा। सब ये बता रहे हैं कि स्पार्क प्लग जो है वो क्या है, उसका कौन सा पार्ट क्या करता है, ये पार्ट उसका मॉडल, ये वो, ये चीज़ें मुझे जान के क्या करनी है। ठीक है, मुझे जानना है कि वो जब मैं बाइक में लगाऊंगा तो मेरा बाइक कैसे इंप्रूव होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगी। बहुत माइनर जो है ना डिफरेंस है, और लोगों ने उसको ना लंबी चौड़ी करके सुनाई हुई है। सिंपल सी बात है, मैंने लगाया, मुझे जो डिफरेंस फील हुआ है, एक स्टार्ट बड़े मज़े से हुआ बाइक मेरा, ठीक है। दूसरा शायद, अच्छा ये भी हो सकता है कि पहले भी ऐसे ही हो रहा हो, मैं अब मेरे माइंड में आ गया कि वाकई इम्प्रूव हो जाएगी परफॉर्मेंस, तो ये अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन में डिफरेंस फील हुआ, मुझे लगा कि यार अब बाइक जो है स्मूथली निकल रहा है। पहले अगर थोड़ा सा, पहले भी अच्छा जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़े मज़े से जाता था, तो अब जो है उससे ज़्यादा स्मूथली निकल रहा है, और मुझे काफ़ी जो है ना फ़र्क फील हो रहा था कि यार बाइक अच्छा जा रहा है। और इसका बेसिक मकसद ही यही है कि इस बाइक को थोड़ा सा अच्छा पुश देता है, अच्छा स्टार्ट देता है, ठीक है। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा माइलेज कवर करता है, ठीक है। एक यामाहा के जो प्लग्स होते हैं उनके रिकमेंड होता है कि आप 12 12,000 किलोमीटर पे चेंज करें, ठीक है, और वो होता भी सस्ता है। तो बात वहीं आ जाती है, सस्ता प्लग आपका कम चलता है और महंगा प्लग आपका ज़्यादा चल रहा है, तो आपको उसे यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि यार 70 80 हज़ार किलोमीटर इरिडियम प्लग चलता है, इट्स ट्रू चल जाता है, लेकिन इतना भी ना चलाएं कि वो मतलब घेस पिट जाए तो फिर आप जाके चेंज करें। डिफरेंस आपको तब भी फील होगा जब आप एक नया प्लग लगाते हैं ना बाइक में, तो नया प्लग ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगा पुराने प्लग से, तो आपको वो डिफरेंस भी फील हो सकता है, ठीक है। तो आप इतना भी ना चलाएं, 40 50 हज़ार पे चेंज कर लें, बहुत ज़्यादा ये भी, लेकिन चेंज करना ज़रूरी है, उससे परफॉर्मेंस में इंक्रीज आता है, फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर होती है। बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ये नहीं कि यार मैंने डाला तो मेरा बाइक वो जा रहा होगा 220 पे, ऐसे नहीं होगा। बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ये आपको फील करने हैं, ठीक है। तो ये भी ट्राई करते हैं, मैं खुद लगा सकता हूँ, इरिडियम प्लग भी मैं खुद लगा सकता था, मुझे नहीं आइडिया था। टूल किट आपकी जो बाइक के अंदर पड़ी होती है ना, उसके अंदर एक टूल होता है, वो गोल सा राउंड सी शेप का होता है, उसको क्या कहते हैं, पाना ही होता है, उससे रिडियम प्लग खुल जाता है, उसी से लग भी जाता है।